नमस्ते, ओम शांति। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राजस्थान के गवर्नर श्री कलराज मिश्र जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्री किशन रेड्डी जी, भूपेंद्र यादव जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी, श्री कैलाश चौधरी जी, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाबचंद कटारिया जी, ब्रह्मा कुमारीज के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी राजयोगी मृत्युंजय जी, राजयोगिनी बहन मोहिनी जी, बहन चंद्रिका जी, ब्रह्मा कुमारी की अन्य सभी बहनें, देवियों और सज्जनों, और यहां उपस्थित सभी साधक साधिकाएं, कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिनमें अपनी एक अलग चेतना होती है, ऊर्जा का अपना ही एक अलग प्रवाह होता है। ये ऊर्जा उन महान व्यक्तित्वों की होती है जिनकी तपस्या से वन, पर्वत, पहाड़ भी जागृत हो उठते हैं। मानवीय प्रेरणाओं का केंद्र बन जाते हैं। माउंट आबू की आभा भी दादा लेखराज और उन जैसे अनेकों सिद्ध व्यक्तित्वों की वजह निरंतर बढ़ती रही है। आज इस पवित्र स्थान से ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी हैं। मैं देश के संकल्पों के साथ, देश के सपनों के साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए ब्रह्मा कुमारी परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में दादी जानकी, राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी सशरीर हमारे बीच उपस्थित नहीं है। मुझ पर उनका बहुत स्नेह था। आज के इस आयोजन पर मैं उनका आशीर्वाद भी महसूस कर रहा हूं। साथियों, जब संकल्प के साथ साधना जुड़ जाती है, जब मानव मात्र के साथ हमारा मम भाव जुड़ जाता है, अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए इदम न मम, यह भाव जागने लगता है, तो समझिए हमारे संकल्पों के जरिए एक नए कालखंड का जन्म होने वाला है, एक नया सवेरा होने वाला है। सेवा और त्याग का यही अनुभव आज अमृत महोत्सव में नए भारत के लिए उमड़ रहा है।
इसी त्याग और कर्तव्य भाव से करोड़ों देशवासी आज स्वर्णिम भारत की नींव रख रहे हैं। हमारे और राष्ट्र के सपने अलग अलग नहीं है। हमारी निजी और राष्ट्रीय सफलताएं अलग अलग नहीं है। राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। हमसे ही राष्ट्र का अस्तित्व है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। ये भाव, ये बोध नए भारत के निर्माण में हम भारतवासियों की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास शामिल है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज एक और बात, सबका प्रयास, ये सब देश का मूल मंत्र बन रहा है। आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह न हो, एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो। हम एक ऐसे भारत को उभरते देख रहे हैं जिसकी सोच और अप्रोच नई है, जिसके निर्णय प्रगतिशील है। साथियों, भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि कैसा भी समय आए, कितना भी अंधेरा छाए, भारत अपने मूल स्वभाव को बनाए रखता है। हमारा युगों युगों का इतिहास इस बात का साक्षी है। दुनिया जब अंधकार से दौर से और गहरे दौर में थी, महिलाओं को लेकर पुरानी सोच में जकड़ी थी, तब भारत मातृशक्ति की पूजा देवी के रूप में करता था। हमारे यहां गार्गी, मैत्रेयी, अनसुया, अरुंधति और मदालसा जैसी विदुषियां समाज को ज्ञान देती थी। कठिनाइयों से भरे मध्यकाल में भी इस देश में पन्नाघाय और मीराबाई जैसी महान नारियां हुई और अमृत महोत्सव में देश जिन स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को याद कर रहा है उसमें भी कितनी ही महिलाओं ने अपने बलिदान दिए हैं। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, मतंगिनी हाजरा, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना जलकारीबाई, वहां से लेकर सामाजिक क्षेत्र में अहल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले, इन देवियों ने भारत की पहचान बनाए रखी। आज देश लाखों स्वाधीनता सेनानियों के साथ आजादी के लड़ाई में नारी शक्ति के इस योगदान को याद कर रहा है और उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। और इसलिए आज सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले का बेटियों का सपना पूरा हो रहा है।
अब देश की कोई भी बेटी राष्ट्र रक्षा के लिए सेना में जाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उठा सकती है। महिलाओं का जीवन और कैरियर दोनों एक साथ चले, इसके लिए मातृ अवकाश को बढ़ाने जैसे फैसले भी किए गए हैं। देश के लोकतंत्र में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। 2019 के चुनाव में हमने देखा कि किस तरह पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। आज देश की सरकार में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां महिला मंत्री संभाल रही है और सबसे ज्यादा गर्व की बात है कि अब समाज इस बदलाव का नेतृत्व खुद कर रहा है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसकी सफलता से वर्षों बाद देश में स्त्री पुरुष का अनुपात भी बेहतर हुआ है। ये बदलाव इस बात का स्पष्ट संकेत है कि नया भारत कैसा होगा, कितना सामर्थ्यशाली होगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे ऋषियों ने उपनिषदों में तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय इसकी प्रार्थना की है। यानी हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें, मृत्यु से परेशानियों से अमृत की ओर बढ़ें। अमृत और अमरत्व का रास्ता बिना ज्ञान के प्रकाशित नहीं होता, इसलिए अमृत काल के ये समय हमारे ज्ञान, शोध और इनोवेशन का समय है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जिसकी जड़ें प्राचीन परंपराओं और विरासत से जुड़ी होगी और जिसका विस्तार आधुनिकता के आकाश में अनंत तक होगा। हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को जीवंत रखना है, अपनी आध्यात्मिकता को, अपनी विविधता को संरक्षित और संवर्धित करना है और साथ ही टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ की संस्थाओं को निरंतर आधुनिक भी बनाना है। देश के इन प्रयासों में आप सभी की, ब्रह्मा कुमारी जैसी आध्यात्मिक संस्थाओं की बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि आप अध्यात्म के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में कई बड़े बड़े काम कर रहे हैं और आज जिस अभियान को आरंभ कर रहे हैं आप उसे ही आगे बढ़ा रहे हैं। अमृत महोत्सव के लिए आपने कई लक्ष्य भी तय किए हैं। आपके ये प्रयास देश को अवश्य एक नई ऊर्जा देंगे, नई शक्ति देंगे। आज देश किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की दिशा में प्रयास कर रहा है। खान पान, आहार की शुद्धता को लेकर हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें समाज को लगातार जागरूक करती रही है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण आहार के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन भी जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है। कुछ गांवों को प्रेरित करके ऐसे मॉडल खड़े किए जा सकते हैं
इसी तरह क्लीन एनर्जी के और पर्यावरण के क्षेत्र में भी दुनिया को भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं। आज क्लीन एनर्जी के कई विकल्प विकसित हो रहे हैं, इसे लेकर भी जन जागरण के लिए बड़े अभियान की जरूरत है। ब्रह्मा कुमारी ने तो सोलर पावर के क्षेत्र में सबके सामने एक उदाहरण रखा है। कितने ही समय से आपके आश्रम की रसोई में सोलर पावर से खाना बनाया जा रहा है। सोलर पावर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोग करें, इसमें भी आपका बहुत सहयोग हो सकता है। इसी तरह आप सभी आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी गति दे सकते हैं। वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर इस अभियान में मदद हो सकती है। साथियों, अमृत काल का ये समय सोते हुए सपने देखने का नहीं, बल्कि जागृत होकर अपने संकल्प पूरे करने का है। आने वाले 25 साल परिश्रम की पराकाष्ठा, त्याग तप तपस्या के 25 वर्ष है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी में हमारे समाज ने जो गवाया है, ये 25 वर्ष का कालखंड उसे दोबारा प्राप्त करने का है। इसलिए आजादी के इस अमृत महोत्सव में हमारा ध्यान भविष्य पर ही केंद्रित होना चाहिए। साथियों, हमारे समाज में एक अद्भुत सामर्थ्य है। एक ऐसा समाज है जिसमें चीर पुरातन और नित्य नूतन व्यवस्था है। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि समय के साथ कुछ बुराइयां व्यक्ति में भी, समाज में भी और देश में भी प्रवेश कर जाती है। जो लोग जागृत रहते हुए इन बुराइयों को जान लेते हैं, वो इन बुराइयों से बचने में सफल हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में हर लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। हमारे समाज की विशेषता है कि इसमें विशालता भी है, विविधता भी है और हजारों साल की यात्रा का अनुभव भी है। इसलिए हमारे समाज में बदलते हुए युग के साथ अपने आप को ढालने कि एक अलग ही शक्ति है, एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत यह है कि समाज के भीतर से ही समय समय पर इसे सुधारने वाले पैदा होते हैं और वो समाज में व्याप्त बुराइयों पर कुठाराघात करते हैं। हमने ये भी देखा है कि समाज सुधार के प्रारंभिक वर्षों में अक्सर ऐसे लोगों को विरोध का भी सामना करना पड़ता है, कई बार तिरस्कार भी सहना पड़ता है। लेकिन ऐसे सिद्ध लोग समाज सुधार के काम से पीछे नहीं हटते, वो अडिग रहते हैं। समय के साथ समाज भी उनको पहचानता है, उनको मान सम्मान देता है और उनकी सीखों को आत्मसात भी करता है। इसलिए साथियों, हर युग के कालखंड के मूल्यों के आधार पर समाज को सजग रखना, समाज को दोष मुक्त रखना, ये बहुत अनिवार्य है और निरंतर करने वाली प्रक्रिया है।
उस समय की जो भी पीढ़ी होती है उससे ये दायित्व निभाना ही होता है। व्यक्तिगत तौर पर हम लोग संगठन के तौर पर भी ब्रह्मा कुमारी जैसे लाखों संगठन ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि आजादी के बाद के 75 वर्षों में हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में एक बुराई सबके भीतर घर कर गई है। ये बुराई है अपने कर्तव्यों से विमुख होना, अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि न रखना। बीते 75 वर्षों में हमने सिर्फ अधिकारों की बात करते रहे, अधिकारों के लिए झगड़ते रहे, जूझते रहे, समय भी खपाते रहे। अधिकार की बात कुछ हद तक, कुछ समय के लिए किसी एक परिस्थिति में सही हो सकती है, लेकिन अपने कर्तव्यों को पूरी तरह भूल जाना इस बात ने भारत को कमजोर रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारत ने अपना बहुत बड़ा समय इसलिए गंवाया है क्योंकि कर्तव्यों को प्राथमिकता नहीं दी गई। इन 75 वर्षों में कर्तव्यों को दूर रखने की वजह से जो खाई पैदा हुई है, सिर्फ अधिकार की बात करने की वजह से समाज में जो कमी आई है, उसकी भरपाई हम मिलकर के आने वाले 25 वर्षों में कर्तव्य की साधना करके पूरी कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं आने वाले 25 वर्ष के लिए एक मंत्र बनाकर भारत के जन जन को कर्तव्य के लिए जागरूक करके बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। मेरा आग्रह है कि ब्रह्मा कुमारी और आप जैसी तमाम सामाजिक संस्थाएं इस एक मंत्र पर जरूर काम करें, और वो है देश के नागरिकों में कर्तव्य भावना का विस्तार। आप सभी अपनी शक्ति और समय जन जन में कर्तव्य बोध जागृत करने पर जरूर लगाएं, और ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं जिस तरह दशकों से कर्तव्य के पथ पर चल रही है, आप लोग ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप लोग कर्तव्य में रचे पचे, कर्तव्य में रचे बसे, कर्तव्य का पालन करने वाले लोग हैं। इसलिए जिस भावना के साथ आप अपनी संस्था में काम करते हैं, उस कर्तव्य भावना का विस्तार समाज में हो, देश में हो, देश के लोगों में हो, ये आजादी के इस अमृत महोत्सव पर आपका देश को सबसे उत्तम उपहार होगा। आप लोगों ने एक कहानी जरूर सुनी होगी, एक कमरे में अंधेरा था तो उस अंधेरे को हटाने के लिए लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग काम कर रहे थे। कोई कुछ रहा कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन किसी समझदार ने जब एक छोटा सा दिया जला दिया तो अंधकार तुरंत दूर हो गया। वैसे ही ताकत कर्तव्य की है, वैसी ही ताकत छोटे से प्रयास की भी है। हम सभी को, देश के हर नागरिक के हृदय में एक दिया जलाना है, कर्तव्य का दिया जलाना है। हम सभी मिलकर देश को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाएंगे तो समाज में व्याप्त बुराइयां भी दूर होगी और देश नई ऊंचाई पर भी पहुंचेगा।
भारत भूमि को प्यार करने वाला, इस भूमि को मां मानने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो देश को नई ऊंचाई पर ना ले जाना चाहता हो। कोटि कोटि लोगों के जीवन में खुशहाली ना लाना चाहता हो, इसके लिए हमें कर्तव्यों पर बल देना ही होगा। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में एक और विषय को उठाना चाहता हूं। आप सभी इस बात के साक्षी रहे हैं कि भारत की छवि को धूमिल करने के लिए किस तरह अलग अलग प्रयास चलते रहे हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत कुछ चलता रहता है। इससे हम ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि यह सिर्फ राजनीति है। ये राजनीति नहीं है, ये हमारे देश का सवाल है। और जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो यह भी हमारा दायित्व है कि दुनिया भारत को सही रूप में जाने। ऐसी संस्थाएं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, दुनिया के कई देशों में उपस्थिति है, वो दूसरे देशों के लोगों तक भारत की सही बात को पहुंचाए। भारत के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनकी सच्चाई वहां के लोगों को बताएं, उन्हें जागरूक करें, ये भी हम सबका कर्तव्य है। ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए एक और प्रयास कर सकती है। जहां जहां, जिन जिन देशों में आपकी ब्रांचेज है, वहां कोशिश करनी चाहिए कि वहां की हर ब्रांच से हर वर्ष कम से कम 500 लोग भारत के दर्शन करने के लिए आए, भारत को जानने के लिए आए। और ये 500 लोग जो हिंदुस्तान के लोग वहां रहते हैं वो नहीं, उस देश के नागरिक होने चाहिए। मूल भारतीयों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप देखिएगा, अगर इस प्रकार से लोगों का आना हुआ देख को देखेंगे, यहां की हर बात को समझेंगे, तो अपने आप वो भारत के छाइयों को विश्व में लेकर के जाएंगे। आपके प्रयासों से इतने कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। साथियों, परमार्थ करने की इच्छा तो हर एक की रहती है, लेकिन एक बात हम न भूलें कि परमार्थ और अर्थ जब एक साथ जुड़ते हैं तो सफल जीवन, सफल समाज और सफल राष्ट्र का निर्माण अपने आप हो सकता है। अर्थ और परमार्थ के इस सामंजस्य की जिम्मेदारी हमेशा से भारत की आध्यात्मिक सत्ता के पास रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत की आध्यात्मिक सत्ता आप सभी बहनों ये जिम्मेदारी इसी परिपक्वता के साथ निभाएगी। आपके ये प्रयास देश की अन्य संस्थाओं, अन्य संगठनों को भी आजादी के अमृत महोत्सव में नए लक्ष्य गढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अमृत महोत्सव की ताकत जन जन का मन है, जन जन का समर्पण है। आपके प्रयासों से भारत आने वाले समय में और भी तेज गति से स्वर्णिम भारत की ओर बढ़ेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन भाई जी से